क्या लग रहा है भाई, एक नंबर। अपन भी यहाँ पर थोड़ा सा ना हाथ पैर धो लेते यार। जय श्री राम, हरे कृष्णा, हरे महादेव। क्योंकि कब कुछ हो जाए पता ही नहीं, तो ये सब गलती भाई नहीं करने अपने को। भाई अपन आ चुके हैं यहाँ नहाने के लिए, और सभी लोग भाई लोग नहा रहे हैं। एक तरह का देखा जाए तो भाई गलत भी है और वो भी है, खासकर उधर पास, क्योंकि ये काफी ज्यादा ना फिसलन है। तो अपना ये खाना निकल चुका है भाई, सभी लोग जो है चिकन उकन खा रहे हैं, और अपने लिए पनीर सब्जी। बंदूक थे हाँ, तो बंदूक लेकर को शिकार करने यहाँ आते थे हाँ। तो नारियल के पेड़ में फल लगा था हाँ, तो वो शिकारी जब उसी समय उसी के नीचे शिवलिंग की स्थापना थी, नारियल पेड़ के नीचे किरण खड़ी थी हाँ। उसके बाद फिर भगवान शंकर प्रकट हो गए हाँ, और प्रकट होकर के उन्हें बताया कि क्या शिकारी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। हाँ वैसे दोस्तों आप टाइटल तो देख ही चुके होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि हम लोग का आज से चार दिन पहले एक हमारे ग्रुप में एक भाई का बर्थडे था, जो कि उसका पार्टी आज हमें मिल रहा है। तो अच्छा मतलब प्लान तो हम लोग काफ़ी पहले से बना चुके थे कि किसी मतलब बर्थडे में हम लोग कहीं जाएंगे टूर में। तो आज हम लोग जा रहे हैं धमतरी के नरहरा डैम में भाई, और वहाँ का जो प्लेस है ना भाई, काफ़ी प्यारा प्लेस है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं फटाफट अभी हो चुका हूँ रेडी, और हम लोग जा रहे हैं एक बस से जा रहे हैं, तो काफ़ी इन्जॉय करते करते जाएंगे। तो भाई अगर आप लोग को भी प्लान बन रहा होगा तो मैं वहाँ का आपको फुल डिटेल में सब चीज़ बताऊँगा, तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। तो चलिए भाई अभी फटाफट अभी मैं थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेता हूँ, मैं सीधा सो के उठाऊँ और फ्रेश हुआ कुछ खाया पीने में, सोचा चलो पहले इंट्रो करा जाए। तो अभी इंट्रो कर रहा हूँ, फिर उसके बाद चलो नाश्ता करते फिर। चलिए भाई अपना जो है इसी बस में हम लोग जाने वाले हैं, और हम लोग का जो है पूरा ना खाना पीना हम लोग वहीं पर बनाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट होगा भाई। तो ये अपना बस है, सभी लोग अभी और भी दो तीन लोग आ रहे हैं, अभी वेट करें फिर तो हम लोग इसी बस में निकलेंगे। चलिए चलते हैं अंदर का भी आपको सीन दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपन बस में भाई, सीट तो अभी पूरा खाली दिख रहा है, अभी देखना कुछ समय बाद फुल हो जाएगा। तो लगभग अपन जा रहे हैं टोटल 40 से 42 लोग, फुल माहौल होने वाला है भाई। पूरा अपना पानी भी आ चुका है, फोन चार्जिंग का भी है, सब चीज़ व्यवस्था लेके चल रहे हैं अपन। फाइनली जो हम लोग पहुँच गए हैं भाई, और ये जो सफ़र हम लोग का काफ़ी ज़्यादा भाई, अपन एक्चुअली ना अपन काफ़ी ज़्यादा लेट निकले, इसी कारण जो हम लोग को अभी पहुँच गया, पहुँचने में 2:30 बज गए, और हम लोग अभी 2:30 बजे पहुँच गए। अभी तो हम लोग को खाना बनाना बचा है, इन्जॉय करना बचा है, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो ये अपना बस कुछ पार्किंग वर्किंग लगा, तो ये सब इधर अपन पार्किंग में लगाते हैं। फिर ये अपना भाई फुल इन्जॉय करते हुए, चलिए तो चलते अपन आगे डैम की। भाई अपना बस से भी सामान पूरा उतर चुका है, यहाँ पास पूरा जो भी बर्तन उर्तन थे और भी कुछ छोटे मोटे सामान है तो ला रहे, बाकी और भी अदर जो फैमिली वाले लोग हैं उस तरफ बना रहे खाना, कुछ उस तरफ बना रहे, सभी जगह बना ही रहे खाना। तो अपन भी कोई अच्छा सा प्लेस देखते हैं फिर उस जगह बनाएंगे, बाकी तो अपना सामान पूरा इधर आ चुका है। और वो है फ्रेंड्स, जब तक अपना सामान उतर रहा है और जब तक हम लोग प्लेस देख रहे हैं, तो जब तक मैं आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ का मैं सीन दिखा देता हूँ भाई। वैसे एक्चुअली तो यहाँ पर जो पानी लेवल है वो काफ़ी कम हो चुका है, जब मैं एक महीना पहले हमारे मतलब दोस्त लोग गए थे तो बता रहे थे कि अभी भी मतलब जो साथी में है जो पानी लेवल है पूरा इधर तक आ चुका था, जहाँ तक मैं भी खड़ा हूँ तो इस तरफ का पानी आ गया था। और अभी देखो पानी जो है काफ़ी ज़्यादा जो लेवल है कम हो चुका है, तो उस तरफ से आ रहा है पानी। अब इसका कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ से आ रहा है पानी, ये अब आ रहा होगा तो कमेंट में, जिसको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि पानी ये कहाँ से आता है। तो यहाँ देखिए भाई सब फैमिली वाले लोग आ रहे हैं, मतलब जिसको नहाने नहीं आता है या फिर यहीं आसपास किनारे में बैठ के नहा रहे, बाकी मैं आपको उधर दिखाता हूँ।
जो भी आता है नशा ड्रिंक विंक करता है फिर अपना समरो ना हीरो बनना चाहता है, तो इसीलिए उस तरफ तो जाना ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरफ जाएंगे अपन। बाकी तो सीन तो एक नंबर है भाई। ये वो देखो भाई, अपने को जाना है उस तरफ नहाने के लिए। एक नंबर रहेगा भाई माहौल भाई जब नहाएंगे तो। बाकी जो पानी लेवल है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। वहाँ कौन सा मंदिर है भैया उधर? शंकर का है, कुछ मंदिर है दुर्गा का। शंकर भगवान और दुर्गा माता का। आप लोग कहाँ से हो? इसे कहाँ? सिवनी ए धमतरी लोकल। अभी पानी कम हो गया क्या भैया? बहुत कम हो गया यार। पहले तो वही बता रहे पानी काफी ज्यादा था। हाँ पहले पानी पूरा इधर तक था ना। और ये पानी कहाँ से आता है भैया? ये वाला कौन से डैम का? उधावा। चलिए ठीक है भैया, भैया शर्मा रहे हैं। कुछ नहीं भैया, YouTube में आ गया आपका। नहीं बस थोड़ा बहुत जो जानकारी वो पूछ रहा था। चलिए ठीक है, धन्यवाद भैया। वो अभी भी बता रहे मतलब पानी लेवल जो 10-15 दिन में ना पानी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया यहाँ के लोग से। मैं पूछा क्योंकि ये जो पूरा जो बीज हम लोग पार किए ना ये पूरा फ्लो था भाई। तो देख लो भाई पानी लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। बाकी हम लोग का खाना उस तरफ बन रहा है तो इधर से आपको चलता हूँ। जो बाकी यहाँ पर शिव जी का मंदिर है और दुर्गा माता जी का मंदिर है, पहले हम लोग दर्शन कर लेंगे फिर उसके बाद जो भी है अपना नहाना पीना, नहाना या फिर खाना पीना उसके बाद करेंगे। फिलहाल तो पहले हम लोग दर्शन करेंगे। चलिए तो यहाँ से अपना रास्ता, वैसे मैं थोड़ी देर पहले उस तरफ था, इस तरफ से इसलिए नहीं आया क्योंकि पूरा काई था इस तरफ। तो इस तरफ से अपन पूरा वही गोल घूम के आया हूँ मैं ब्रिज के पास। तो खाना पीना इधर सब चल ही रहे, सब आ रहे बना रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे अपना अलग अलग। हाँ फ्रेंड्स, मैं मंदिर इसलिए भी अभी मंदिर जा रहा हूँ क्योंकि भाई अभी क्योंकि हमारे ग्रुप में जो है चिकन पिकन मतलब बन रहा है, तो चिकन पकड़ने के बाद फिर मंदिर जाना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं सोचा चलो भाई चिकन पकड़ने से पहले भी जो पहले मंदिर से मैं आ जाता हूँ फिर उसके बाद जो भी करेंगे अभी। इसलिए मैं उन लोग को अभी छोड़ के इस तरफ आया हूँ मंदिर, तो फिर गलत हो जाता ना यार। ये देखो इसलिए मैं इस पार से नहीं आया, पूरा काई है और क्या पता पैर और फिसल जाएगा, इसीलिए भाई मैं पूरा गोल घूम के इस तरफ से आया हूँ। चलिए तो अपन पहले चलते हैं मंदिर अब वापस। क्या लग रहा है भाई, एक नंबर। अपन भी यहाँ पर थोड़ा सा ना हाथ पैर धो लेते यार, थोड़ा सा छिड़क लेते हैं, बहुत दूर से आए जो। चलो भाई तो चलते हैं मंदिर भाई, चुपके चारों एकदम अपने मेरा। जय माता दी, जय माता दी। दुर्गा माता जी का मंदिर है और हनुमान जी का। जय श्री राम, जय माता दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। तो ये देखो भाई नज़ारा यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ भाई। इन लोग को देख रहे हो ना कूद रहे हैं, और इन लोग सब मेरे ख्याल से नशा पानी किए हैं, तो ऐसा गलती मत करना क्योंकि कब कुछ हो जाए पता ही नहीं। तो ये सब गलती भाई नहीं करने अपने को, क्योंकि यहाँ बहुत हादसे वादसे होते ही रहते हैं, तो ये सब से अपने को बच के रहना है। बाकी तो भाई नज़ारा काफ़ी प्यारा लग रहा है यार। तो अपन फिर एक बार आ गए हैं हम लोग नहाने के लिए, और जो अपना खाना पीना है वो ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया। खाना वाना खा के अभी फिर से जा रहे हैं हम लोग नहाने, और मेरे हाथ पे तो रेडबुल मिल गया, रेडबुल। फिर से जा रहे हैं हम लोग नहाने के लिए। चलो तो भाई वहाँ पर जा रहे फिर एक बार, अभी जाएंगे वहाँ पर फ़ोटो तो शूट करूँगा और इंस्टाग्राम में देख लेना भाई, पोस्ट हो जाएगा इंस्टाग्राम में। और इंस्टाग्राम का आईडी जस्ट बगल में होगा, बगल में जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए भाई बाकी तो अपन चलते हैं उस पर।
हर हर महादेव। देखो अपना भाई कैसे जा रहा है। भाई अपन आ चुके हैं यहाँ नहाने के लिए और सभी लोग भाई लोग नहा रहे हैं। एक तरह का देखा जाए तो भाई गलत भी है और वो भी है, खासकर उधर पास, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अपना फिसलन है भाई, तो इसीलिए मैं तो नहीं जा रहा हूँ उस पास। कुछ लोग जा रहे हैं, हम लोग को तो मैं रोक नहीं सकता क्योंकि इस तरफ देखो, क्योंकि इस तरफ काफ़ी ज़्यादा काई है नीचे में, और बाकी लोग उस तरफ देखो फोटो उनको शूट चल रहा है। बाकी एक बार और आपको नज़ारा दिखा रहे हो, है ना भाई, तगड़ा सीन। चलिए भाई एक बार नहा के फिर सीधा चलेंगे कपड़ा उपड़ा। फ्रेंड्स अभी एक तो यहाँ जो लोकल में जो एक अंकल मिले जो इनके मतलब जो यहाँ के बारे में ना इतिहास मतलब बता रहे, तो चलिए मैं पूछता हूँ तो अंकल बताएंगे। अंकल बताइए। एक जमाने में एक मतलब कोटक भाई से एक आदमी था रघुवर नाम का। हाँ। और वो आदमी था, उसके घर मतलब उन्हें एक बंदूक थे। हाँ। तो बंदूक लेकर को शिकार करने यहाँ आते थे। हाँ। हर समय, क्योंकि ये व्यापक जंगल था। हाँ। चारों ओर मतलब उन्हें उन्होंने से कब की बात होगी ये बहुत पुराना बात है, मतलब 2000 से पहले के। हाँ। हाँ। और यहाँ किसी जमाने में एक नारियल के पेड़ था। हाँ। हाँ। तो नारियल के पेड़ में फल लगा था। हाँ। तो वो शिकारी जब आया तो उसी समय एक मतलब मैंने हिरणी का जो झुंड है, हिरण का हाँ। वो यहाँ पानी पीने के लिए आया। हाँ। है ना, पानी पीने के लिए आया तो जो ही मतलब शिकारी के नज़रें पड़ा, वो शिकारी अपना मतलब बंदूक चलाने को तैयार हो गया। उसी समय उसी के नीचे शिवलिंग की स्थापना थी, नारियल पेड़ के नीचे। तो एक नारियल का फल मतलब शिवलिंग के ऊपर गिर गया उसी अच्छा, समय अच्छा। उसकी आवाज़ को सुनकर हिरण है तो चौंक गए। फिर मतलब उन्हें बाद में फिर मतलब उन्हें दोबारा आया हिरण। हाँ। और उसके बाद में फिर शिकारी ऐसे कर करके मतलब तीन बार आया हो। हाँ। तो तीसरी बार जो ही बंदूक चलाने वाला था। हाँ। हिरण खड़ी थी। हाँ। उसके बाद फिर भगवान शंकर प्रकट हो गए। हाँ। और प्रकट होकर के उन्हें बताया कि क्या शिकारी तो किसने मतलब इसका मतलब शिकार करना चाहते हैं। हाँ? तो कहा कि भाई ये हमारा मतलब एक शौक है, शौक के जरिए हम लोग शिकार करना चाहते हैं। शौक था, है ना, शौक था। तो फिर संक्रमण प्रकट होने के बाद फिर क्या किया? प्रकट होने के बाद उन्होंने बताया कि आज से हाँ। आप मतलब उन्हें शिकार करना छोड़ दो। हाँ। भले मतलब अनजाने में किया तो किया। हाँ। लेकिन अब मत किए, यहाँ मतलब एक ऐसे जगह बनेगा जो दर्शनीय स्थल के नाम से जाना जाएगा। ऐसे करके भगवान शंकर ने प्रकट होकर मतलब जो मंदिर इधर है वो शंकर भगवान के इस रूप से प्रकट हुए थे, प्रकट होकर के बताया और बोला कि आज से तुम इस शिकारी का काम छोड़ दो, है ना, तुम अपने भगवान के भजन में लग जाओ। तो भगवान के भजन में जब लगा ना तो उनका एक पुत्र हुआ। हाँ। जिसका नाम था गणेश, गणेश गणेश नाम का। हाँ। तो ऐसे ऐसे उसका पीढ़ी है तो गणेश का और दो पुत्र हुए, है ना, उसका गुहा गोविंद के नाम से। तो यहाँ का हमारे मतलब समिति का अध्यक्ष भी था वो पहले, तो इसी प्रकार का इनका मतलब शुरुआत के इतिहास है नरहरा धाम का। तो नारियल पेड़ के ही नाम से नरहरा धाम मतलब प्रसिद्ध आस्था के हुआ है यहाँ का। हाँ। चलिए ठीक है, इतिहास। धन्यवाद अंकल। तो चलिए भाई इधर आके कुछ तो नॉलेज भी पता चला, जो इनका जो हिस्ट्री है वो अंकल के थ्रू पता चल गया कि यहाँ पर क्या क्या जो हुआ था, तो आपने सुना ही होगा। बाकी तो इस प्रकार से जो है जो अंकल कहानी बताए वही होगा जो सुनाए थे। हो गया क्या, बन गया? ये अपना भाई अभी साथ में है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो है अभी हम कपड़ों का चेंज करते हैं फिर सीधा हम निकले। तो अपना ये खाना निकल चुका है भाई, सभी लोग जो है चिकन उकन खा रहे हैं और अपने लिए पनीर सब्जी, अपन क्या वेजिटेरियन है तो सभी भाई लोग खा रहे हैं आपस। तो चलिए भाई अपन खाना खाते हैं। खाना कैसे लगा भाई सानी भाई अपने को? अरे भाई तगड़ा भाई, जबरदस्त, बढ़िया लगा ना, क्योंकि खाना अपना ये राहुल भाई बनाया है। राहुल भाई तो बनाया ना खाना, राहुल तो बनाया खाना। राहुल भाई धन्यवाद खाना बनाने के लिए। बाकी सानी भाई को अच्छा लगा, मतलब सबको अच्छा लगा। अपन तो चलेगा भाई अपना पनीर, बाकी सभी भाई लोग यहाँ पर चल रहा।